ये रेलवे पाकिस्तान है, रेलवे का इससे बदतर हालात कभी नहीं देखे होंगे। हालत भी आप देख सकते हैं, जगह जगह के ऊपर ग्रीसें निकली हुई हैं। हालात तो वाकया इतने परेशान कुन है। ये डेढ़ घंटा लेटा है, पहले चार नंबर पे, पांच नंबर पे भेजा है, फिर कह रहे चार नंबर पे आए। लैटरिन पेशाब जाएगा, छोटा पेशाब करेगा, कोई इंतजाम सही नहीं है। खाना भी देते हैं? कुछ नहीं देते। कितनी मुश्किलें हैं मुसाफिरों को, खुदा की कसम। लेकिन बैठने की गाड़ी नहीं है डबे। हालात तो वाकया रेलवे पाकिस्तान के कुछ इसी तरह हैं जैसे डूबती नैया के होते हैं। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर, मेरा नाम यासिर शमून खान है। जुर्म की एक ऐसी दास्तान, ये आप देख सकते हैं कि ये रेलवे पाकिस्तान है, और आपने कभी भी किसी मुल्क में भी रेलवे का इससे बदतर हालात कभी नहीं देखे होंगे। और इनको कहेंगे कि हम रोके थोड़ी देर के लिए, अल्लाह करे ये रोके। ये मेरे ख्याल में पिछला हिस्सा है और ये रिवर्स वापस आ रही है, और ये इंजन का अगला हिस्सा है। यहाँ से इंजन जो है वो ड्राइव करके, वो देखे पायलट, वो ड्राइव करके पीछे की जानिब ले जा रहा है। वहाँ से पीछे से गाड़ी को खींच करके वो आगे लेके आएगा। इंजन की हालत भी आप देख सकते हैं, जगह जगह के ऊपर ग्रीसें निकली हुई हैं, उसका ऑयल इस तरह निकलता चला जा रहा है। हालात तो वाकयात इतने परेशान कुन हैं कि समझ नहीं आ रहे। इससे पहले कि हमें दफ्तर के आला हकाम यहाँ से बाहर निकाल दें, आइए कुछ और भी मंजर आपको दिखाते हैं। दूसरी जानिब दिखाइएगा जवाब, वहाँ पर भी एक ग्रीन लाइन ट्रेन है, वो वहाँ पर आएगी, वहाँ से फिर अपनी सवारियों को बिठाएगी, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश भी है, और फिर वहाँ से उनकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से अपनी सवारियों को बैठा कर अपनी मंजिल मकसूद तक ले जाया जा सके। नाज़रीन, यहाँ पर क्योंकि हम बग़ैर इजाज़त के कर रहे हैं प्रोग्राम, तो इसमें जो चीज़ें हम आपको दिखा सकते हैं, एंटीक ट्रेन, तकरीबन 100 साल से ज़्यादा कदीमी वो क्लाक, वो देख सकते हैं क्लाक, वो बिल्कुल राइट टाइम बता रहा है। वो क्लाक बाकायदा तौर के ऊपर चाबी उसमें भरी जाती है और फिर वो क्लाक चलता है। और ये सारी चीज़ें दिखाने का आपको मकसद ये था कि अगर इसके ऊपर थोड़ी सी हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं, ऐसी लाइट सी तवज्जो कर ली जाए, तो ये रेलवे जो इतने 100 साल पुराना कदीमी एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन लाहौर का स्टेशन है, इसे हम ना सिर्फ महफूज कर सकते हैं बल्कि यहाँ पर हम करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। दुकानदारों को ठेके मिले हुए हैं, सवारियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, और ये ट्रेन का इंजन वहाँ से फिर वापस आ गया है, और यहाँ पर इस इंजन के पास खड़े होकर हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया कितनी गोल है, घूम फिर कर एक दूसरे के सामने आ जाती है। हमने कभी भी रेलवे स्टेशन की हालात के बारे में कभी किसी को आया ही नहीं किया। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो मुकम्मल तौर के ऊपर निस्तो नबूद होने के बाद यहाँ पर रोक दी गई हैं आगे। और अगर मैं आपको पटरियों के हालात दिखाऊं, ये देखिए ग्रीस वगैरह, आगे बाके दिखाएं, ज़रा जाए ज़रा आगे दिखाएं, ग्रीस वगैरह बाहर निकलते हुए। क्या हाल है, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? ये वेटर नज़र आते हैं और यहाँ पर ये सवारियों को रोकते हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया करते हैं। दुनिया मुकम्मल तौर के ऊपर जिद्दत अख्तियार कर गई और अपने दौर का जदीद तरीन और ख़ूबसूरत तरीन अगर कोई आज भी रेलवे स्टेशन है तो वो लाहौर का रेलवे स्टेशन है, और इसे बे इंतहा खूबसूरती की निगाहों से देखा जाता है और बड़ा वसी व गरीब स्टेशन है। आप इसकी हालत ज़ार अगर देखेंगे ना तो आपका दिल फटने को आ जाएगा। ये रेलवे स्टेशन का हाल है, किसी किस्म की कोई सफाई सुथराई का निज़ाम यहाँ दूर दूर नज़र नहीं आता, वो फटरे पड़े हुए हैं, रेलवे की रेलगाड़ी की धमक से उड़े और किसी के जाके चेहरे के ऊपर लग जाए इसका कोई पता नहीं। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि ऊपर जाएँ, ऊपर से जाके उस तरफ उतरें और उतर कर उधर के भी हालात आपको दिखाएं। क्या हो गया? ये डेढ़ घंटा लेटा है, 6 बजे का टाइम है। कौन सी आ रही है? पिंडी से, पिंडी जाने के लिए इस्लामाबाद मार्गला एक्सप्रेस है, मार्गला एक्सप्रेस है जी, पिंडी जाने के लिए। पहले चार नंबर पे, पांच नंबर पे भेजा है, फिर कह रहे चार नंबर पे आए आप, और अनाउंसमेंट भी नहीं, आधे घंटे के बाद अनाउंसमेंट की है, लोग ख्वार हो रहे हैं, ना पानी का इंतजाम अच्छा है, ना कुछ है। ये लैटरिने बनाई है इन्होंने, ये 50 रुपये ठेके पे दी हुई है लैटरिने, 50 रुपये, 50 रुपये फी बंदा ठेके पे, ये लैटरिने बनाई हुई है इन्होंने दिया हुआ है, 50 रुपये फी बंदा ठेके पे दिया हुआ है जी। फिर बंदा लैटरिन पेशाब जाएगा, छोटा पेशाब करेगा, कोई इंतजाम सही नहीं है, ना पानी का, ना उनका, ना गाड़ियों का। हेलो लड़के, ये देखिए वो ड्राइवर जा रहा है, इसका मतलब हालात यहाँ पर बिगड़ गए हैं। बिल्कुल
कितनी टिकट लेके जा रहे हैं? हाँ जी, नौ 1450 रुपए की टिकट लिया। 1450 रुपए में क्या अंदर आपको क्या बेड बेड में लगा बैठ टाइम के जी ननवासी बैठेगा साथ हमारे बन गया जी एसी वाला के बन गया एसी वाला के आम टिकट तो 1000 रुपए थी 960 रुपए की टिकट आम टिकट आप लेके जा रहे हैं 1400 रुपए मैं 1400 में नॉर्मल बैंक ले सी लिया। कितनी देर में पहुंचेंगे पिंडी? 4-5 घंटे लगेंगे भाई। 4-5 घंटे 12:30 से पहले नहीं पहुंचेंगे, 5 घंटे लगेंगे अभी तक इतला ही नहीं जाने की इतला नहीं। रास्ते में खाना भी देते हैं? कुछ नहीं देते, लोटे होते हैं जी, लोटे होते हैं गाड़ी में लगे हुए, लोटे देते हैं। वो भी सही नहीं थी, बोतलें लगाई होती हैं, बोतलें लगी, पानी का इंतजाम सही नहीं है, वो भी पानी नहीं आता वहाँ पे, पानी नहीं आता, पानी नहीं आता। इसका मतलब तंग होके जा रहे हैं, तंग होके जा रहे हैं लोग, बड़े परेशान हैं, लोग बड़े परेशान हैं। चाचा आप गाड़ी बन जाती है यहाँ पे, कोई दुख तो नहीं? कितनी उम्र हो गई? उम्र हो गई 50 साल। 50 साल के कोल लगदे थे 80 दे पे लगण नहीं पहुंच रहे गए। ओए होए, ये मेहनत मजदूरी भी इंसान को किसी जगह नहीं छोड़ती। आइए नाजरन, यहाँ पर लाहौर से पिंडी जाने वाली एक बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म नंबर कितना है? ये प्लेटफॉर्म नंबर चार के ऊपर इस वक्त एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो लाहौर से पिंडी जाने के लिए तैयार है। कोई 999 रुपये की आम टिकट है और 1400 रुपये की एसी की टिकट है। गाड़ी आ गई? गाड़ी अभी नहीं आई। कितनी लेट है? पता नहीं, 6 बजे का कहा था, नहीं आई है। कितने का कहा था? 6 बजे का। 6 बजे का? हाँ जी। तो क्या पाकिस्तान में हर काम वक्त के ऊपर होता है? बस जी, पाकिस्तान है जो है सभी, आप क्या कह सकते हैं, बर्दाश्त कीजिए। नाज़रीन, लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। आप भी जमात के साथ हैं? जी जी। कहाँ का इस समय चक्कर लगाया? रावलपिंडी जा रहे हैं। रावलपिंडी जा रहे हैं जी जी। वहाँ पे लोगों को बताएंगे दीन के बारे में? जी जी। असल तो अपनी सलाह के लिए जा रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी जिंदगी में। तो रेलवे की सलाह होती नजर आ रही है आपको? अल्लाह कर देगा इंशाल्लाह, उम्मीद अच्छी। अल्लाह ताला कर देगा, महिबे वतन पाकिस्तानी और को मुसलमान हो तो डेफिनेटली उसको एक आस उम्मीद लगी ही रहती है। और शाही कुल्फियों के यहाँ पर स्टॉल भी लगे हुए हैं, लोग यहाँ पर धड़ाधड़ खड़े भी हैं और गाड़ी ऑलरेडी यहाँ पर लेट है। आप देख सकते हैं कि मुसाफिर छोटी तादाद में नहीं, बड़ी तादाद में है। और इस वक्त गाड़ी, हाँ, लोगों ने डिले किया हुआ है। पहले उधर खड़े रहे हैं, कितनी देर आप यहाँ खड़े रहे हैं? ओए होए, आई नहीं है गाड़ी। कहाँ से हैं आप? अब मैं पिंडी जा रही हूँ वापस। पिंडी ससुराल है जी? यहाँ पे मैं क्या आई हुई थी? घर पे आई हूँ। तो अम्मी के घर में आराम भी तो करवाया ना जी? अम्मी के घर में आराम भी तो करवाया जी। कितने दिन रही? मैं 10 दिन रही हूँ बस। 10 दिन रही हैं जी। अब वापस मियाँ साहब ने कहा वापस आ जाओ जी। बस कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरे ये सब मेरे ही बच्चे हैं। 1, 2, 3, 4 जी, ये मेरे बेटे और एक ब्रेक। तो पॉपुलेशन का भी तो ख्याल करना ना। अच्छा मुझे ये बताएं तो कितनी देर लेट हो गई गाड़ी? काफी देर से खड़े हैं, तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया इंतजार करते हुए। ये प्रीतम से बलमा से मिलने का इंतजार है क्या है? बस शोहर नामदार को कोई मैसेज देना चाहती हैं? नहीं, कह दे उनको। हम क्या लोग आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, फिक्र मत करें, हम आ रहे हैं। जा रही है बेटी, क्या करेंगी? दिलू दास हो रहा है? नहीं नहीं हो रहा, नहीं। अपने घर मालाउली बिल्ली। ओह माय गॉड। नाज़रीन, लोग यहाँ पर वाकई ही बड़ी देर से तिरमला रहे हैं और वेट कर रहे हैं। अम्मा जी ने वो पुराने वक्तों का बुरका पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अम्मा जी। अम्मा जी कैसी हैं, कहाँ जा रही हैं? पिंडी। यहाँ की रहने वाली? पिंडी की। कहाँ की रहने वाली हैं? लाहौर। लाहौर की रहने वाली हैं? तो पिंडी रेंजर, रेंजर रेंजर की। तो लाहौर पिंडी खैरियत से जा रही हैं? शादी की, बांजी की शादी। बांजी की शादी पे, वहाँ पे न्यूंद्रा वगैरह पैसे देने के लिए? ऐसे में ऐसे नहीं है, मेरे बेटा नहीं है इसका, बेटा इधर नहीं है। बब ऐसी जा रही है, आपकी शिरकत किसी पैसे से कम है? नहीं है पैसे। अच्छा माशाल्लाह, खावन में दूसरा शादी करने खावन ने दूसरा शादी कर लिया? ये क्या बात हुई? बेटा नहीं है। बेटा नहीं है, बेटियाँ ही बेटियाँ? दो बेटियाँ की बीमार, अपने घर में है बेटियाँ? नहीं, एक घर में एक शादी। टिकट लिया? बस ले लिया टिकट, ले वापस। गर्मी में ऐसा बुरका क्यों पहनता है? बस रवाज है। रवाज है, पर्दा पर्दा रवाज पर्दा है। बुजुर्ग खवातीन ही इस मुल्क की रौनक है।
सलाम अलैकुम जी, कितनी देर होगी आपको इंतजार करते? हमें तो ऑलमोस्ट हाफ आवर हो गए। हां 1 आवर हो गए यहां पर जी। ओ माय, साइड पे 1 आवर हुआ है। अच्छा, पहले हम आधा घंटा गाड़ी लेट है ना, पहले हम ओके पहले कहां पे थे? पहले 5 नंबर पे। 5 नंबर पे गलत चले गए होंगे। नहीं नहीं, पहले वहीं पे आनी थी, पहले वहीं पे आनी थी, फिर उन्होंने कहा 4 नंबर पे आएगी। 4 नंबर पे देख लेंगे, काम देख लो रेलवे दे, इन नहीं हरकतें देख लो। पैसे पूरे नहीं है उन्होंने? जाहिर है पैसे तो पूरे लेने, यहां पे मेके आई हुई थी। नहीं नहीं, हम अपनी जा रहे हैं, वैसे कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीर के लिए। हां जी, सैर करने के लिए। रेलगाड़ी के ऊपर भी कुछ सैर करने? पिंडी रहते हैं ना, पिंडी से आगे जाएंगे ना। पिंडी से आगे जाएंगे तो लाहौर क्या करने आए? लाहौर रहते हैं हम। लाहौर रहते हैं, पिंडी भी रहते हैं, लाहौर भी रहते हैं। लाहौर रहते हैं, पिंडी जा रहे हैं, इनडायरेक्ट जाना ना हमने, वहां पे नंद होती है। ओके, वहां पे भी रुक, वहां से नंद को लेना है, वहां उनके घर स्टे करना है, उनके घर स्टे करना है, शोहर को भी खुश करना। शोहर तो बाहर है मेरे, शोहर बाहर है, रिपोर्टें तो जा रही होंगी ना, जासूस तो यही है। अच्छा, गाड़ी आ गई भाई आपकी? ना नहीं, गाड़ी आ गई है, इंजन पीछे लगा हुआ है वो दूर, और गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई है। आप ये सब लोग आराम से जाएंगे, 5 बजे के टाइम से अब आई है, 6 बजे का टाइम है, देखे अब आ रही है। ओए होए, 6 बजे का टाइम और अब आ रही है। ओहो, आराम से आराम से आराम से आराम से। नाजन ये देख सकते हैं आपके, इसके ऊपर चढ़ने का तरीका कार ये है, आप इस गाड़ी के ऊपर चढ़ के बड़े आराम से सफर कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते सूरत कि ये गाड़ी आए। जब गाड़ी ही नहीं आएगी तो आप सफर कैसे करेंगे? आगे थोड़ी ही दूर कितनी घंटा लेट आई है। चलो शुक्र का कलमा पढ़ो, पाकिस्तान में 1 घंटा तो मसला ही कोई नहीं है। खुश हो गाड़ी आ गई है? खुश है चाचा? चाचा खुश है? नाजन गाड़ी आ गई है, और गाड़ी आगे जाके अपने लगेगी उसके साथ, इंजन के साथ, और यहाँ से गाड़ी रवा दवा होगी। बड़ी मुश्किलें हैं मुसाफिरों को, खुदा की कसम बे इंतहा मुश्किलें हैं। कितना खूबसूरत सेटअप अंग्रेज बहादुर यहाँ पर बना कर दे गया है, अगर इसे संभाल लिया जाता 75 साल में तो क्या बुरा था। आप तसल्ली में हैं? आप खुश हैं रेलवे स्टेशन से? आप खुश हैं? पक्का? बिल्कुल बेकार है दी। बेकार बारिक, कभी उधर जाए कभी इधर आए, कोई फायदा ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे ऊपर से बैग भी उठाए, उतर गया रेलगाड़ी के ऊपर सफर करने। 6 बजे का टाइम था और अब टाइम देखो क्या हो गया। ओए होए, वेरी सैड, वेरी सैड। लोग सच में बहुत परेशान हैं, और ये वो लोग हैं जो अपने घर से मुकर्रर वक्त के ऊपर निकले थे, किसी ने टैक्सी कराई, किसी ने रक्षा करवाया, कोई लोकल के ऊपर आया कि हम टाइम के ऊपर पहुंच जाए, हमारी टिकट ज़ाया ना हो। लेकिन यहाँ तो गंगा हमेशा उल्टी बहती है। और अब ये देखें यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो देखें, रेलगाड़ी इंजन के साथ लगेगी, और ये सीन देखने वाला है। आओ जरा जवाब, ये सीन देखने वाला है, ये सीन देखने वाला नाज़रीन, ये इंजन के साथ गाड़ी लगने लगी है, ये कभी किसी ने आपको नहीं दिखाया होगा। ये देखें, फुल प्रेस कार है, ये देखें ये गाड़ी फुल प्रेस कार, फुल प्रेस कार, थोड़ा सा रास्ता दे दें, दिखा दें, प्रेस कार, ये फुल प्रेस कार, ये बीच में लड़के ने ये देखें गाड़ी को लगा दिया, और ये कसी जा रही है गाड़ी। ओह माय गॉड, जबरदस्त जबरदस्त अमेजिंग। ये कसी है उसने गाड़ी, ये पहली दफे आप देख रहे हैं, ये सारी बोगियां जो है इंजन के साथ अटैच हुई हैं, आप रत्ती बराबर भी यकजा हो गई हैं, फर्क नहीं रहा। ये कराची एक्सप्रेस है, नॉन स्टॉप जाएगी, और ये गाड़ी ऐसा ऐसा रवा दवा हो गई है, और वो मुझे फिल्म का सीन भी याद आ गया है कि जा बेटा जी अपनी जिंदगी, और पता नहीं कौन कौन यहाँ पर अपनी जिंदगी जीने के लिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि गाड़ी ऐसा ऐसा नहीं, ठीक ठाक चल पड़ी है, और बहुत मजेदार चल पड़ी है। थोड़ा सा इसका झूला जरूर लेंगे, ये देख सकते हैं आप। ओह माय गॉड, ये जिंदगी का वो खूबसूरत लम्हा है जिसे मैं कैश करने के लिए कई सालों से सोच रहा था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे कैश कर लिया है। और मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि भाग के पीछे जाए ताकि हमें दिखाए कि ये किस कदर पुरलुत्फ एक मंजर है, कि ये देखें ये फुटपाथ, ये साथ ही इसका प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर पांव रख के हम जा रहे हैं, और इंजन आगे की तरफ लगा हुआ है। ये गाड़ी अब से तकरीबन 1 मिनट पहले चली है, और ये कराची जाएगी, नॉनस्टॉप जाएगी, और भरपूर एंजॉय किया जाएगा इसमें। और ये हम उतर गए हैं यहाँ पे, ये टी स्टॉल है जो स्टेशन के ऊपर मौजूद है। ये खवातीन हैं मुख्तलिफ गाड़ियों का इंतज़ार कर रही हैं, और ये अब ये कहाँ जाएंगी कहाँ नहीं, यहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अम्मा, कहाँ जा रही हैं?
मैं भगवानपुरे भगवानपुरे जा रही हूँ। आई कहाँ से है? भगवानपुरे से आई हूँ मैं। भगवानपुरे से किसी को छोड़ने आई थी? बेटी को छोड़ने आई थी। बेटी को कितने दिनों के बाद आई? बेटी बेटी आई है 7 साल के बाद। तो कहाँ से जाओ जी ले अपनी जिंदगी। माओ के दिलों से तो पूछा बेटा। हाय अल्लाह। तो आप कितने दिन रह के गई? वो अभी रह के नहीं गई, आज ही तो आई है इंडिया से। तो उसे हैदराबाद रवाना किया बेटा। अच्छा, इंडिया से आई है, आज हैदराबाद रवाना किया है। आज कहाँ से रहने वाली है? हैदराबाद दक्कन की तो नहीं रहने वाली? नहीं, हम जिला सिद्धारपुर के। जिला सिद्धारपुर के? पाकिस्तान में दिल लग गया? तो अभी के लोग पैदा ही अभी हुए। बच्ची वही ब्याह दी? बच्ची वही ब्याह दी। नाजिन यहाँ पर क्या क्या दो भी आई है? तो खुश है वहाँ पर? इंडिया से कोई गिला शिकवा तो नहीं है? पक्का देख लेना। नादिन गाड़ी जा रही है, रवा दवा है अपनी मंजिल की जाने। और आप देख सकते हैं कि पीछे भी आपको एक गाड़ी आती हुई नजर आएगी। और ये वो मंजर है जिसे देखना मेरी क्या हर एक की ख्वाहिश है। आपने बड़े सफर किए होंगे, आपने बस का सफर किया होगा, आपने जहाजों का सफर किया होगा, आपने ऑरेंज लाइन ट्रेन का किया होगा, लेकिन ये जो रवायती ट्रेन है, ये टीटी जा रहा है, ये देखें टीटी का मंजर। ओ माय गॉड, ए टीटी भाई, बाय बाय, टेक केयर। और ये पहुंच जाएगा अपनी मंजिल को इंशाल्लाह ताला अपनी सवारियों को लेकर। लेकिन अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी ट्रेनें अक्सर बेशतर खाली जाती हैं। इसकी क्या वजूहत हैं, इसके पीछे क्या नजरिया, क्यों जाती हैं अक्सर खाली? भाई ये गाड़ियों का हालात देखो, क्या हालात बनी है, क्या हुआ हालात? अभी मैं अंदर सीट पे गया हूँ तो इतने मिट्टी, इतना हालात, बुरा हालात, बंदा बैठ नहीं सकता उधर, कसम से। आप खुद देख रहे हैं, फुल इतना कोई सफाई का भी दो तीन हजार। हाँ, टिकट भी, टिकट का तो नाम ही ना लो, लेकिन बैठने की काबिल ही नहीं है डबे। इसका मुरम्मत करना चाहिए, इसका सफाई होना चाहिए इसका। और भी हुकूमत के पास इतने इनका कोई वसाइल नहीं है इनका कि इसको ठीक करे। इनके पास और वसाइल है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक प्रोग्राम हम यहाँ पर मजीद कंपाइल करेंगे। हालात वाकयात रेलवे पाकिस्तान के कुछ इसी तरह हैं जैसे डूबती नैया के होते हैं, लेकिन जैसे तैसे भी ये डूबते तरते हुए जहाज अपनी मंजिल मकसूद तक कई सालों से पहुंचता चला जा रहा है। ये नाजिन इंजन है गाड़ी का, ये गाड़ी लाहौर से पिंडी रवाना हो रही है। इस गाड़ी ने बेपनाह इंतजार करवाया है, लेकिन जब ये गाड़ी आ गई तो इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो गई और इस इंजन को चलने में अब कुछ ज्यादा देर नहीं। ये साथ ही इसके जनरेटर्स लगे हुए हैं, रवा दवा यहाँ से होगी और अपनी मंजिल मकसूद तक भी पहुँचेगी। और अल्लाह ताला के हुक्म से किसी को कोई परेशानी का सामना भी नहीं होगा। यहाँ पे पायलट बैठता है और यहाँ से पायलट बाकायदा तौर के ऊपर अपनी गाड़ी को ले करके निकलता है। और बड़ा ज़बरदस्त कमरा आता है, बड़ा ज़बरदस्त कमरा आता है, एकदम हाथ ला दे भैया। ये देखिए नाजिन कितना ज़बरदस्त इनका कमरा है। तो ये गाड़ी तैयार है, मकसद सिर्फ इतना था कि रेलवे पाकिस्तान की असल सूरत हाल आपको उजागर कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।